वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत आवाम को पांच अशिया पर सब्सिडी फराहम की जा रही है। आटा, घी, चीनी, दालें और चावल पर आवाम को सब्सिडी दी जा रही है। इब्राहिम खान से जानते हैं। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत आवाम को पांच अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है। इन पांच अशिया में आटा, चावल, चीनी, घी और दालें जो हैं शामिल हैं। बात करें कीमत के हवाले से तो चीनी जो है 70 रुपये फी किलो और इसके साथ साथ आटे की 10 किलो की बोरी 400 रुपये में, जबकि घी जो है 300 रुपये में फराहम किया जा रहा है आवाम को। इसी पर बात करते हैं कि महंगाई जो है इतनी ज़्यादा हो गई है, क्या ये रिलीफ जो दिया जा रहा है आवाम के लिए काफ़ी है कि नहीं? भाईजान बताइएगा। क्या कह सकते हैं, मजदूर आदमी जो 500-700 रुपये दिहाड़ी करेगा उसके लिए तो ये चीज़ें अभी भी उसका नाम क्या मुश्किल है खरीदार। आप बताएं क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, क्या रिलीफ है? नहीं है ना भैया, नहीं है। लाइनों पर खड़े हैं, टाइम दे रहे हैं ये, इससे हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है। हम 500-700 की दिहाड़ी वाले हैं, देखो अभी तक खड़े हुए हैं। आप बताइएगा क्या कहें? सब महंगाई है, झूठ है, ये जलालत है, सिर्फ ये गरीब आदमी को तंग कर रहे हैं, यहाँ कोई किसी की सुनने वाला नहीं। कई लोगों को मैसेज जो है रिसीव नहीं होता और लोग खाली हाथ ही जो है वापस जा रहे होते हैं। बात करें वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के हवाले से तो इस पैकेज में जो है आवाम को पांच चीज़ों पर सब्सिडी जा रही है, जिस पर आवाम का रद्दअमल खासा अच्छा जो है वो सामने नहीं आ रहा। सब्सिडी दी जा रही है। इब्राहिम खान आपका शुक्रिया। खाने वाले में रोही बना शहरियों की आवाज़। यूटिलिटी स्टोर पर घी, कुकिंग ऑयल की अदम दस्तियाबी की खबर नशर की तो यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता घी और कुकिंग ऑयल फराहम कर दिया गया। नदीम मुगल से जानते हैं। जी नदीम बताइए। एक बार फिर रोही टीवी बना है शहरियों की आवाज़। गुज़श्ता रोज़ रोही टीवी की जानिब से खबर नशर की गई थी कि कुकिंग ऑयल और सस्ता घी दस्तियाब नहीं है यूनिट स्टोर पर, तो खबर पर एक्शन नोटिस लिया गया है और आज खाने वाले के तमाम स्टोर पर जो है वो घी मुहैया कर दिया गया है और शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पर खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद अब बात करेंगे शहरी हमारे समझने से जानेंगे। ये बताइएगा कि आज घी और कुकिंग ऑयल और खास चीनी और आटा सब दस्तियाब है, क्या कहेंगे? गुज़श्ता 15 दिन से तकरीबन खानेवाल में घी किसी भी जनरल स्टोर पे या बिना में यूटिलिटी स्टोर पे नहीं था। आवाम बड़े परेशान थे। गुज़श्ता रोज़ रोही टीवी ने इस पे आवाज़ बुलंद की, जिसके नतीजे में आज सुबह से ही घी यहाँ मौजूद है और हम शुक्रिया अदा करते हैं रोही का, जिन्होंने आवाम की आवाज़ बुलंद की। हमेशा की तरह रोही की इस आवाज़ उठाने पर आज हमें यहाँ पर घी, सस्ता घी दस्तियाब है। जी सस्ता घी दस्तियाब है। जी तयगा कि स्टोर पर अब घी दस्तियाब है। नदीम मुगल आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दीगर खबरों की जानी पड़ते हुए आपको बताएं कि शेख जैद हॉस्पिटल रहीम खान के मुलाजमीन की सुनी गई है। 600 से ज्यादा मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला हल हो गया। आसिम सदीक से जान लेते हैं। आसिम, अच्छी खबर आई है एक अरसे के बाद। हॉस्पिटल के 600 से जायद मुलाजमीन थे जिनकी तनख्वाहों का मसला था, जिनकी तरफ तनख्वाहों के लिए वो मुसलसल एहतजाज पर थे, मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज भी किया। अब ये मसला हल हो गया है। प्रिंसिपल शेख जायद मेडिकल कॉलेज की काविशों की वजह से आज उनका शुक्रिया भी अदा किया गया और उनके साथ इजहार यकजहती और मोहब्बत का इजहार भी किया गया। अमले की जानब से प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला था, ये मसला का हल किया गया तो ये मुस्तकिल हल है, तो किस तरह से ये बड़े अरसे से एहतजाज था, मुसलसल एहतजाज, बड़ा अरसा यहाँ पर एहतजाज होता रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये 2-3 सालों से ये प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट पंजाब की तआवुन से और हेल्थ डिपार्टमेंट जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ है उसके तआवुन से और उनकी अनथक कोशिशों की वजह से ये मसला हल हुआ है। और इनका इंशाअल्लाह जो बजट का मसला था, इस वक्त 136 मिलियन की एक ग्रांट वो अप्रूव हुई है और 149 मिलियन इनका SDA में रेगुलर बजट आ गया है, तो इससे इंशाअल्लाह इनकी जो तनख्वाहों का प्रॉब्लम था वो हल हो गया है और इनको तनख्वाह टाइम पे मिलेगी। इससे इंशाल्लाह इनकी वर्किंग भी बेहतर होगी और हमारे इदारे में जो मसाइल से वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं, तो इससे पेशेंट केयर इंप्रूव करेगी। पेशेंट केयर इंप्रूव होगी। आसिम सिद्दीक आपका शुक्रिया। AC जामपुर उस्मान गनी ने अहदे का चार्ज संभाल लिया है। MC ऑफिस में महकमा माल और अफसरान से मीटिंग हुई है। मजीद बात करेंगे जावेद इकबाल से। मीटिंग का क्या एजेंडा था जावेद, बताइए। बिल्कुल, आज असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर जनाब उस्मान गनी ने अपने ओहदे का चार्ज संभालकर बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया। उनको वेलकम करने के लिए लोगों के मुबारकबादे का सिलसिला भी यहां पर जारी है। आज असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर ने अपने ऑफिस में महकमा माल के अफसरान से मीटिंग भी की। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से उन्होंने MC जामपुर के मुलाजमीन और अफसरान से मीटिंग भी की और सैलिन से यहाँ पर शिकायत भी सुनी। मजीद हम उनसे बात करते हैं। सर, जामपुर में पहले तो वेलकम करते हैं, दूसरी बात यह है कि मसाइल बहुत हैं, उसके बाद अब किस तरह इनसे निपटेंगे, क्या तरजीहत होंगी आप? ज़ाहिर है एक बड़ी तहसील है यहाँ पे, जितने लोगों की तकरीबन 80-85 हज़ार आवाम है म्यूनसिपल कमेटी में, तो उनके इश्यूज़ भी उसी तरह से ही हैं।
मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा मसला यहाँ का है वो अभी तक सीवरेज का है। यहाँ पे एक तो सिस्टम पुराना हो चुका था, लेकिन लकीली जो अच्छी एक न्यूज़ है वो ये है कि जो पब्लिक हेल्थ एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट कर रही है, तो वो इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज़ वहाँ पे कनेक्शन बिजली के इंस्टॉल होने वाले रह गए थे वो चल जाएगा। उसके बाद ये सीवरेज का सिस्टम भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। देन उसके बाद फिर हम देखेंगे शहर की जो जनरल क्लीनिनेस है सफाई के हवाले से, फिर हम एक खास मुहिम चलाएंगे। बाकी जाहिर है इस हवाले से जो लोकल गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हमें जो इंस्ट्रक्शंस होती रहती हैं तो उनके अकॉर्डिंगली हम जो है वो फर्दर प्रोसीड करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर से सुना, उनका कहना था कि पब्लिक हेल्थ के हवाले से जो मीटिंग हुई है। जावेद इकबाल, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीडी खान जिमखाना क्लब का तामीराती काम 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मास्टर प्लान की तकमील का भी टास्क मिल गया है। डीडी खान की सरबराही में इजलास हुआ है। नज्म व जब्त की पाबंदी और दीगर अमूर पर फैसलों के लिए सिफारिशें पेश की गई हैं। कोविड से बचाव के लिए इकदाम का सिलसिला जारी है। डीडी खान में रेड 4 कैंपेन का आगाज हो गया है। आशिर इशफाक से जान लेते हैं। जी आशिर बताइए। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट में कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से रेड 4 कैंपेन का बाकायदा तौर के ऊपर आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से महकमा सेहत की जो टीमें हैं डोर बाय डोर जाकर लोगों को जो वैक्सीनेशन है वो की जा रही है, और खसूस तौर के ऊपर लोगों को अवेयरनेस जो है महकमा सेहत की जानिब फराहम की जा रही है। बात कर लेते हैं CEO हेल्थ हमारे साथ मौजूद। सर, रेड 4 कैंपेन का आगाज़ हो चुका है, कितना टीमें सर इसमें हिस्सा ले रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेड 4 का कल से आगाज़ हो चुका है। इसमें हमारी 180 टीमें हैं वो हिस्सा ले रही हैं, घर घर जाकर ये वैक्सीनेशन कर रही हैं। जिसकी पहली डोज नहीं लगी उनको पहली डोज लगा रही हैं, जिसकी सेकेंड ड्यू है उसको सेकेंड लग रही है, और जो 2 लगवा चुके हैं उनकी बूस्टर डोज लग चुकी है। मेरी तमाम अहलियान डेरा गाजी खान ज़िला से गुजारिश है कि जो जो 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे इंसान हैं वो तमाम लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें ताकि इस मूजी मर्ज से महफूज रहें। और आपको पता है कि इस्लामाबाद में ये आजकल 4% आ रही है और हैदराबाद में 20% से भी ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट चला गया है, तो ये अपने आप बचाओ के लिए ये वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन एहतियाती तदाबीर है और खास तौर के ऊपर एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। और वैक्सीनेशन के हवाले से मुहिम का आगाज कर दिया गया है। आशिर आपका शुक्रिया। पीपल लॉयर फोरम के जरिए तमाम तकरीब हुई है। शहीद बेंजिल भुट्टो की 69वीं सालगिरह पर केक काटा गया है। पीपल लॉयर्स फोरम के बुकला ने शहीद बेंजिल भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया है। मजीद जान लेते हैं माहिर इमरान से। जी इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम हाई कोर्ट बार में मौजूद हैं और यहाँ पे पीपल्स लॉयर फोरम की जानब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो 69वां जो सालगिरह का केक है वो काटा गया, और इस वक्त जो पार्टी के हक में जो है यहाँ पे वो नारे भी लगाए जा रहे हैं, और यहाँ पे जो सीनियर वकील हैं वो खराज तहसीन पेश कर रहे हैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो को, जुल्फकार भुट्टो को और भुट्टो खानदान को, और केक भी काटा गया। इस हवाले से सबसे पहले हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शेख गयासुल हक साहब मौजूद हैं, सबसे पहले इनसे। आज हम जिस शख्सियत की सालगिरह मना रहे हैं वो एक दुनिया में अपनी मुनफरद मुकाम रखती थी और दुनिया की पहली खातून इस्लामी मुल्क की वज़ीर आज़म थी, और पाकिस्तान के लिए और जमहूरियत के लिए उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, और इस पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दे के, इस पाकिस्तान को जमहूरियत दे के, इस पाकिस्तान को के में से आमरियत ख़त्म करके, और वो वाहिद खातून थी जिन्होंने अपनी विज़म से मुशर्रफ जैसे जाबर को निकाला और उसकी वर्दी उतरवाई और अवाम को और पाकिस्तान को दोबारा जमहूरियत बख्शी। माहिर इमरान आपका शुक्रिया। भावलपुर में बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब मुनाकिद हुई। पीपी रहनुमा हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि बेनज़ीर की आज सालगिरह मना रहे हैं, जमहूरियत और बेनज़ीर दोनों अल्फाज हमेशा साथ रहेंगे। महमूद जहीर से जान लेते हैं। जी महमूद बताइए। अजी, एक अजीम रहनुमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान को बेहतरीन राहों पर डालने वाली, तरक्की की राहों पर डालने वाली खातून, जिनकी विलादत के हवाले से आज भी खुशियां मनाई जाती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं बहावलपुर में पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं के साथ। हुसैन अहमद मदनी हमारे साथ मौजूद हैं। आज सालगिरह है बेनज़ीर भुट्टो साहब की, याद उनकी मनाई जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशियों भरा दिन है, इस लिहाज से कि इस दुनिया में वो हस्ती तशरीफ़ लाई जिन्होंने पूरी दुनिया में ख्वातीन के लिए रोल मॉडल के तौर पे बाद में अपनी शनाख्त बनाई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जहाँ पाकिस्तान में एक रोशन इस्तारा थी,
वहाँ पूरी दुनिया में ख्वातीन के लिए उन्होंने एक नए हौसला मंद और पुरअज़्म कायद के तौर पर अपनी शनाख्त कराई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में की सियासत में आपको पता है कि लड़कपन से जो उनकी जद्दोजहद थी, बे सरोसामा एक लड़की बेसहारा सी जिन्हें पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा और फिर अपनी जद्दोजहद के बाद पूरी पाकिस्तानी कौम को साथ लेके उन्होंने नई एक मिसाल रकम की और यहाँ जो मार्शल्ला था उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की और बिलाखिर जमहूरियत को फतेहयाब किया। जमहूरियत को फतेहयाब किया। महमूद ज़हीर, आपका शुक्रिया। शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 69वीं सालगिरह बिहाड़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिबरेशन ब्यूरो के जरिए तमाम केक कटिंग की तकरीब मुनाकिद हुई। मजीद जान लेते हैं हाफिज सवाले मोहम्मद से। जी हाफिज बताइए। जी, शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 69वीं सालगिरह यहाँ पे मनाई जा रही है और बिहाड़ी के कारकुनान सालगिरह का केक काटकर जो है वो उनकी 69वीं जो है वो सालगिरह मना रहे हैं। इस वक्त जिले जनरल सेक्रेटरी पीर इजाज हुसैन शाह हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। शाह जी, बीबी ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं और जमहूरियत के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, इस हवाले से मैं क्या, पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया ये कहती है कि इस मुल्क में अगर किसी ने जमहूरियत मजदूर और गरीब आवाम के लिए कुर्बानी दी है तो वो भुट्टो ख़ानदान है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर बेनज़ीर तक और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से लेकर आसफ़ अली जरदारी साहब की तवील तरीन कैद तक और वहाँ से लेकर इन नौजवानी और लड़कपन की उम्र से बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी बहनों की जो जद्दोजहद है, इस ख़ानदान की जो जद्दोजहद है, शहीद मुर्तज़ा और शहीद शाहनवाज़ की शहादत, ये सब मिलकर इस मुल्क में एक ऐसी इंसानियत, जमहूरियत और इंसाफ की सच्ची और खरी दास्तान है जो जिसकी नज़ीर कम अज़ कम साउथ एशिया में नहीं मिलती। जिसकी नज़ीर कम अज़ कम साउथ एशिया में नहीं मिलती। हाफिज़ सवाले मोहम्मद, आपका शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ में अवामी राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद दस्ती की अहलिया के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। दो रोज़ कबल जमशेद दस्ती रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुए थे। जमशेद दस्ती की अहलिया का ताल्लुक मेहमंद कबीले से है। अवामी राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद दस्ती की अहलिया के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। दो रोज़ कबल जमशेद दस्ती रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुए थे। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।